नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टैग में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन रिक्वायरमेंट लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो और आपने पैरामेडिकल काउंसलिंग या फिर BSc नर्सिंग या फिर स्टाफ नर्स या फिर ANM कुछ भी कर रखा है यहाँ पर, तो आज की रिक्वायरमेंट आप ही के लिए है। दोस्तों आज की रिक्वायरमेंट है, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो NHM स्टाफ नर्स ANM लैब टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट निकाली गई है, यहाँ पर किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर किस तरीके की आपकी पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर दोस्तों बम्पर पोस्ट निकाली गई है, लगभग 6000 के करीब यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आवेदन जरूर कीजिएगा अगर आप BSc नर्सिंग या फिर स्टाफ नर्स या फिर ANM के कोर्सेस या फिर डिप्लोमा कर रखे हैं, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, ब्राउजर पर सिंपली गूगल ओपन कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर दीजिएगा सरकारी रिजल्ट। जैसे ही यहाँ पर सरकारी रिजल्ट का टाइप करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी sarkaririzult.com। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक किए देता हूँ। जैसे ही क्लिक करोगे सरकारी रिजल्ट की फर्स्ट लिंक पर, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो तीन कॉलम देखने को मिलेंगे, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। तो लेटेस्ट जॉब में यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे की तरफ आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको MP NHM की रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर जा रहा है। सिंपली आपको इस रिक्वायरमेंट के लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके सामने शो करने लगी। यहाँ पर देखिए बात की जाए यहाँ पर लास्ट डेट और स्टार्ट डेट की, तो यहाँ पर स्टार्ट डेट इसकी दी गई है 28 दिसंबर 2020, और यहाँ पर लास्ट डेट इसकी 15 जनवरी 2021 दी गई है। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड डेट यहाँ पर नोटिफिकेशन सुन बता रहा है। जैसे ही यहाँ पर एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट आ जाएगी तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सुन की बजाय डेट लिखी आने लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पर फीस की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं है, आप बिंदास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा था कि अगर आपके पास NHM का डिप्लोमा या फिर किसी भी पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा है, तो इस फॉर्म के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एज लिमिट 21 से 40 रखी गई, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम है, किसी भी तरह का एज रिलेक्शन कुछ भी नहीं। इसके बाद यहाँ पर पोस्टों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 5835 पद यहाँ पर खाली हैं, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो BSc नर्सिंग का होना जरूरी है, या फिर GNM का सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पर ANM के लिए देख लेते हैं, तो ANM के लिए यहाँ पर आपको ANM का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विथ रिकॉर्डिंग इन MP पैरामेडिकल काउंसिलिंग, तो यहाँ पर पैरामेडिकल का काउंसलिंग का डिप्लोमा कोई भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ जरूरी लिंक देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, इसके सामने ही आपको क्लिक हेयर की लिंक दिखाई दे रही होगी। सिंपली इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म के लिए आवेदन कर सकोगे। इसके बाद देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन, स्टाफ नर्स का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो इसकी लिंक अलग दी गई है, ANM की लिंक अलग दी गई है, और लैब टेक्नीशियन की लिंक अलग दी गई है। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी अलग दी गई। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सामने में क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक किए देता हूँ। क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से लॉग इन कर सकते हो। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली जैसे ही क्लिक करोगे तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे आपको भरने के बाद आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि टाइटल में आप अपना मिस्टर या मिसेस टाइप कर सकते हो, इसके बाद फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना है। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 15 यहाँ पर 6 प्लस करके यहाँ डाल देना है, और यहाँ पर साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है। तो जो आपका आईडी पासवर्ड होगा वो जनरेट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ही आपका आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों पर ही आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के बटन पर जाने के बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया हो उसे डाल देना है। इसके बाद रिमेंबर मी पर क्लिक
करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर साइन इन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपना फॉर्म ओपन कर सकते हो और यहाँ पर बारीकी से अपने फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूंगा क्योंकि अगर मैं पूरा फॉर्म भरने की प्रोसेस बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।